नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के 2 साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। भारत इस शक्तिशाली विश्व निकाय का गैर स्थायी सदस्य है। वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान से बार बार दूर रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना समेत कई अमेरिकी सांसदों ने पेंटागन नेतृत्व से संसद की सुनवाई के दौरान बुधवार को हिंद प्रशांत पर सवाल किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ वोट क्यों नहीं किया। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए सहायक रक्षा मंत्री एली रटनेर ने सदन की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि अमेरिका के नजरिए से मुझे लगता है कि जब हम हिंद प्रशांत में अपनी रणनीति के बारे में सोचते हैं तो भारत आवश्यक सहयोगी है। हम मानते हैं कि भारत का रूस के साथ जटिल इतिहास और संबंध है। सांसद बिल किटिंग के एक सवाल के जवाब में रटनेर ने कहा कि भारत ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि वे रूस के अलावा अन्य देशों से खरीदारी करने की कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर खन्ना ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं चीन के खिलाफ 1962 के युद्ध में भारत का समर्थन अमेरिका ने किया था और चीन के साथ 2020 में भी जब सीमा पर संघर्ष हुआ तो अमेरिका ने ही साथ दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या रूस ने भारत की रक्षा करने के लिए कुछ किया जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर रहा था। इस पर अपने ने कहा कि हम समझते हैं और मानते हैं कि भारत का रूसियों के साथ लंबे समय से जटिल इतिहास और सुरक्षा भागीदारी है, लेकिन वह व्यवस्थागत रूप से इससे दूर हो रहे हैं और हम इस सवाल पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे अधिक अमेरिकी हथियार, अधिक यूरोपीय हथियार खरीदने और अपने स्वदेशी हथियार बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के रूस के खिलाफ वोट न डालने का मुद्दा उठाया, जिस पर बातचीत सामने आई। अभी देखने वाली बात होगी कि भारत इस गैर स्थायी सदस्य होने के नाते क्या अपना रुख और क्या अपना पक्ष संसद में रखता है। जो कुछ होगा आपको जरूर अपडेट करेंगे। आप तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने चैनल देख न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।